आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, याद रखिए और बाकी लोगों को सुनाइए। एक दिन की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। वो लड़का बड़ा ही अच्छा था। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तुम थोड़ी सी ऊन लेके आ जाओ। वो जैसे ही ऊन लेने गया, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। उस कुत्ते ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं ऊन लेने जा रहा हूँ। उस कुत्ते ने कहा कि ऊन की दुकान तो मुझे पता है, वो कहाँ है। तो उसने कहा, ठीक है तो तुम जल्दी से ऊन लेके आओ। जो वो जल्दी भागा भागा जाता है और गलियों में से मुड़ के ऊन लेके आता है। कहता है कि ये लो, तुम ये सब ऊन ले लो। तो एक थैली में ऊन थी, तो देखा कि बहुत सारे कलर्स की ऊन रखी हुई थी। लेकिन उसने कहा कि इतनी इतनी ऊनों की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, तुम इतनी ऊन क्यों लेके आ गए? उसने कहा कि अगर तुमको तो बहुत सारे बार स्वेटर बनाना पड़ेगा। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत ही अच्छे हो, ऐसे ही मुझे बहुत बार मिला करना और मुझे मेरे साथ रहना, मैं तुमको पालना चाहता हूँ। तो उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे अपनी डिक्की में छोड़ देना, ताकि जब तुम गाड़ी चलाओ तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, अगर मैं कहीं बाहर चला गया तो गाड़ी को लेके मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उसने कहा, ठीक है तो तुम्हारी जो बाइक है तुम उसमें मुझे, उसकी अगर डिक्की है तुम मुझे उसमें बिठा दो, या नहीं तो तुम अपने साथ ही मुझे रख लो। तो उसने कहा, ठीक है मेरी बाइक की डिक्की है, लेकिन तुमको बस 2 दिन ही वहाँ पर रहना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है मैं 2 दिन ही वहाँ पे रह लूँगा। तो वो जब 2 दिन रह लिया, तो वो अगले दिन वहाँ से निकल गया। डिक्की से निकला तो उसे बड़ा अच्छा लगा और उसको गर्मी भी ही नहीं लगती थी। तो उसे जब गर्मी नहीं लगती थी तो वो उसको बड़ा अच्छा सा फील होता था। उसने अपनी गलती को एहसास कर लिया कि अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा करूँगा। तो वो लोग फिर खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी फ्रेंड्स कहानी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये अच्छा लगा तो ऐसी हमारी कहानियाँ सुनते रहिए। थैंक यू।